शहडोल मेडिकल कॉलेज से SNCU वार्ड में भर्ती 10 दिन के मासूम के इलाज के दौरान झुलसने का मामला सामने आया है। दरअसल छगरा गांव से महिला डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे में पीलिया के लक्षण पाए जाने पर उसे इलाज के लिए SNCU वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन दो दिन बाद ही बच्चे के शरीर में झुलसने के निशान दिखे। इसे देखकर परिजनों ने वार्मिंग मशीन से जलने की बात कही। इसकी जानकारी लगते ही जहां मौके पर जांच के लिए सोग्रापुर थाने की पुलिस भी पहुंची, वहीं बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के झुलसने की निशान एक बीमारी के लक्षण है और इसका भी इलाज जारी है। इस घटना के बाद जहां परिजन मेडिकल कॉलेज में जारी इलाज को लेकर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, वहीं डॉक्टर के तत्व कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अलीगढ़ मेडिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट में तमाम बातें आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज की कार्यशैली पहले भी कई बार सुर्खियां बटोर चुकी है, इसलिए मामला अब तूल पकड़ा जा चुका है। फिलहाल महिला को ब्लड की कमी के कारण एवं नवजात बच्चे को जिला अस्पताल में भेजा गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। आज एक बच्चे का ऐसा मामला आया था, बच्चा जिसकी डिलीवरी हमारे यहाँ हुई थी 23 तारीख को, और उसको पीलिया होने के कारण SNCU में भर्ती किया गया था, वहीं पर उसका इलाज चल रहा था। तो ये संज्ञान में आया कि 28 तारीख को रात में लगभग जो स्टाफ था हमारे देखा, उसके पीठ में रैसेस आने लगे थे जो धीरे धीरे बढ़ भी रहे थे। बच्चे को उसमें फिर फोटोथेरेपी में भी रखा गया था, मशीन होती है, तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो इसका उसका स्किन ओपिनियन भी कराया गया। तो बाद में पता चला कि नहीं, इसको बच्चे को स्किन की डिजीज़ है और सिकाई वगैरह बाद के कारण जो स्किन बर्न होने की जैसी संभावना बता रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। जो वहाँ की HOD हैं डॉक्टर निशान, मेरी उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है, जो स्किन डिजीज़ है एक स्टेफलोकोकल है ना, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम एक नाम की एक बीमारी होती है बच्चों में, जो स्किन की डिजीज़ है वो है। बच्चे को आज ही उसे परिजन रेफर कराना चाह रहे थे, तो उसे बाहर ले गए।